अमरोहा में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां भविष्य दर्पण संस्था द्वारा सफलता एकेडमी में जाति भेदभाव जैसे ज्वलंत सामाजिक मुद्दे पर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कोरोना वायरस की गाइडलाइंस का पालन करते हुए किया गया। प्रतियोगिता में 13 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक के प्रतिभागियों ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया और जाति भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दे पर अपने विचार प्रस्तुत कर श्रोताओं को अपने वक्तव्यों से प्रभावित किया। कुल 16 प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। निर्णायक मंडल की ओर से मुजाहिद चौधरी ने यश जिंदल को प्रथम, मानसी गुप्ता को द्वितीय तथा अनुष्का सिंह को तृतीय स्थान प्रदान कर विजेता घोषित किया। वहीं सिद्धि गुप्ता, आरती सागर, विधि अग्रवाल को संतावना पुरस्कार प्रदान किया। निर्णायक मंडल में प्रतिष्ठित समाज सेवी, साहित्यकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मुजाहिद चौधरी ने इस आयोजन के साथ साथ भविष्य दर्पण संस्था द्वारा पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिए जा रहे योगदान की सराहना की और मुजाहिद चौधरी ने अपनी ओर से हर प्रकार का सहयोग प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद आदि सभी वादों को समाप्त करने का आह्वान करते हुए समानता के अधिकार को प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित करने का आह्वान किया। निर्णायक मंडल में उनके साथ शामिल CSC हसनपुर के ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक ब्रजमोहन, GGIC हसनपुर की शिक्षिका शैली राजपूत ने भी जातिवाद मिटाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन सुमित सैनी व उज्ज्वल तागी ने संयुक्त रूप से किया। अंत में अंकुश मित्तल ने संस्था की ओर से सभी प्रतिभागियों, अतिथियों और निर्णायक मंडल का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में संस्था के संरक्षक सौरभ गुप्ता, अंकुश, ऋतिक, शिवम, सुमित, अपूर्व, उज्ज्वल, निमिष, देवेंद्र, अभिनव, वकार, राहुल, डॉक्टर प्रदीप व एकेडमी के संस्थापक एवं अध्यक्ष वीरेश शर्मा, सचिव आयुष शर्मा आदि उपस्थित रहे। अमरोहा उत्तर प्रदेश से दीपक कुमार की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें। अपनों की खबर आप तक।